टुक्जर के डोंगल की अनबॉक्सिंग करो, टुक्जर डोंगल, टुक्जर वाईफाई डोंगल, सारा दिन ऐसे कमेंट में कर रहे थे लोग। और नया भी लॉन्च हुआ था ये, मैंने सोचा आपके सामने लॉन्च करने के बाद फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर दी जाए। अनबॉक्सिंग टाइम। ओके, बैटरी, चार्जिंग केबल, माइक्रो यूएसबी 2, यूएसबी 5, यूजर मैनुअल्स। तीन इंडिकेटर दिए हुए हैं इसके ऊपर, एक टक टक करने वाला बटन दिया गया है, टुक्जर की ब्रांडिंग दी गई है यहाँ पर। जस्ट बैटरी लगा रहा हूँ, अभी करते हैं ऑन। टुक्जर टुक्जर टुक्जर, RGB LED इंडिकेटर्स। टेस्ट करता हूँ मैं अपने फ़ोन में कि इसकी वाईफाई आ रही है कि नहीं, और हम लोग जो वो यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। वैसे देखिए इंटरनेट की स्पीड में चेक करने वाला हूँ, वो डिपेंड करती है हमारे एरिया में नेटवर्क कैसा है। देखिए मेरे को पता है उस सिम कार्ड का 10-12 MB तक ही जो वो स्पीड आती है, अगर उससे कम आए या उससे ज़्यादा कम आए तो गड़बड़ है, वरना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस डिवाइस में। भाई मेरे बात कर ली इसकी अच्छाइयों के बारे में कि अच्छा इंटरनेट चल रहा है, मैंने स्पीड चेक की अच्छी खासी आई है। अब बात इसकी कुछ प्रॉब्लम्स की करते हैं। प्रॉब्लम्स की ये है कि चार्ज होते भी उतना ही टाइम, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है ये, लेकिन वर्क करता है, अच्छा करता है, बैटरी में काफ़ी अच्छा रहा है इसका। अब बात रहती है इसकी कि यूज़र इंटरफेस इसका जो है वो डिवाइस का, जैसे IP एड्रेस पे जाते हैं हम लोग 192.168.43.1, और वहाँ पर जब वो आपको इतना प्रॉब्लमेटिक लगेगा वाईफाई पासवर्ड। वैसे पता है हम लोग हर रोज़ कोई चेंज नहीं करते, अगर हर रोज़ आप चेंज करते हैं मेरे भाई मत लेना ये प्रोडक्ट, लेकिन कभी कभार महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने से कभी तो चेंज करना पड़ता है ना, तो उस टाइम के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है, इतना आसानी से नहीं करने देता सब कुछ। ऑप्शन पे आप क्लिक करते रहते हैं, करता नहीं है काम। मैंने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, सब पे जगह पे करके देखा, वर्क नहीं किया इसने अच्छे से, ये प्रॉब्लम है इसकी। दूसरा, इसका जो बैटरी इंडिकेटर है वो बताता है आपको आज अगर इसकी बैटरी फुल है, 70% से ऊपर है तो आपको ये ग्रीन लाइट दिखाएगा, 70 से 30 के बीच में तो येलो लाइट दिखाएगा, और अगर बैटरी 30 से नीचे आ जाती है तो रेड लाइट दिखाएगा। यही इसका जो वो एक ऑप्शन है, बैटरी का कुछ अच्छे से पता नहीं चलता है। तो मेरे भाई टुक्जर का अगर आप डोंगल ले रहे हो तो याद रखिएगा बैटरी डला हुआ होना ज़रूरी है अंदर। चार्जिंग में आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन बैटरी निकली हुई नहीं होनी चाहिए, बैटरी अंदर डली हुई होनी चाहिए, उसके बाद प्रयोग कर सकते हैं। अगर SD कार्ड इसके अंदर लगता नहीं है, WPS इसका बटन है नहीं, ताकि अगर बिना पासवर्ड के आप कभी किसी दोस्त को जो वो कनेक्ट कराना चाहें तो करवा सकते हैं, तो ऐसा है नहीं। वैकली ये प्रोडक्ट अच्छा है, इंटरनेट वर्क अच्छे से करेगा, आपको ज़्यादा पंगे लेने नहीं होते, सिम डाल दिया आपने तो वेल एंड गुड, अच्छे से वर्क करेगा। तो जनाब अच्छा लगा मेरे को ये डोंगल, और मैं वैसे बताऊँ आपको काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ इसको, 4-5 घंटे अच्छे से चल जाता है ये, वैसे तो कई बार लंबा टाइम भी निकाल जाता है, और ये अगर फुल चार्ज किया आपको तो 2-3 दिन तक अगर आप यूज़ नहीं करते मतलब पड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी यूज़ करेंगे बटन दबाएंगे ये महाराज रेडी हो जाते हैं, और आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट का मज़ा ले सकते हैं। बाकी चीज़ें आप इसको सेटअप कैसे कर सकते हैं, बाकी इसका पासवर्ड सेट कैसे करना है, बाकी चीज़ें सब मैं जो वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से आसानी से। और इसको मैंने परचेज़ किया है सिर्फ 2700-2800 रुपये की रेंज में, परचेज़ करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रोडक्ट वर्थ है। सारी सिम कार्ड इसके अंदर चलती है, और इसके अंदर अभी तक इसके ऊपर WPS का कोई बटन मेरे को मिला नहीं, तो आप WPS का शायद यूज़ नहीं कर सकते, SD कार्ड इसके अंदर नहीं है। अगर आपको वीडियो और ये अनबॉक्सिंग अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो, ताकि हम लोग आपके लिए परचेज़ करके ऐसी अनबॉक्सिंग करते रहें। आप सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा देखो, हमें तभी बेनिफिट होता है, वरना कोई बेनिफिट नहीं है मेरे भाई, मेरा पैसा लगता जाता है इन चीज़ों को परचेज़ करने में।